साथ है टेस्ट मैच और ये आउट बिल्कुल कॉट बिहाइंड की अपील लेकिन बैट्समैन वही खड़ा हुआ। ये देखिए बॉल पड़ा पड़ के सीम हुआ जो कि पिच पे लगा और हल्की सी में भी कि अगर धवन शिखर धवन हिलते नहीं ये लगा बिल्कुल लगा और खड़े रहते तो बॉलर है एज उसके पीछे कीपर और स्लिप का फील्डर आए भी मिल गई विकेट ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बड़ी क्रूशियल और ये देखिए थोड़ा शॉर्ट बॉल था फ्रंट फुट से पुल करना चाहते थे बल्ले के स्टिकर के पास लगा और बहुत वक्त था इस बार विकेट कीपर को फिंच ने चांस नहीं दिया बेहतर कैच कहीं ऐसी पारी खेलनी और ये वही जाल में फंसे रायना जिसका हम जिक्र कर रहे थे हो एक और आघात भारतीय टीम को शॉर्ट बॉल पे कमजोरी पे पहली गेंद वापस और पांचवी दफा आउट किया है मिचेल जॉनसन ने और उसी तरह से आउट किया है जैसे कि एक पहले मैच में किया था इन्होंने शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद बाहर की तरफ और गोली की रफ्तार से गेंद की थी और मैक्सवेल ने भी साइलेंस हो गई थी और अब इस्तकबाल किया विराट कोहली की शानदार पारी का कॉट बिहाइंड होके वापस और बनी तो बनी रायना को और एक अच्छा छोटा गेंद शॉर्ट गेंद तेजी से बॉल किया था और उसकी दिशा भी बहुत अच्छी थी बल्लेबाज हुए और ये आउट आते ही मिचेल जॉनसन ने अपनी ये कैच बहुत ही बड़ा था इसमें कोई शक नहीं है देखिए स्लोअर बॉल और ब्रैड हेडन ने बहुत ही आला कैच किया इसलिए भी ये बहुत बड़ा कैच था क्योंकि इनकी कीपिंग भुवनेश्वर कुमार गतिशीलता प्रदान खुशी कर बैठे हाइट ज्यादा थी स्टिकर पे ऊपर लगी मिडल नहीं कर पाए लेकिन प्रयास बिल्कुल सही था और अभी पारी उनकी खत्म नहीं हुई है वापस आएंगे दूसरे रन के लिए स्ट्राइक लेना चाहते हैं और स्ट्राइक मिलेगी जी 24 तास एक पाउल पुढ़े